दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जल्द मम्मी पापा बनने वाले हैं। दोनों उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब अपने बेबी को दोनों हाथ में लेंगे। आपको बता दें, कपल ने बीती फरवरी में अनाउंसमेंट किया था कि वो अपने पहले बच्चे के पेरेंट्स बनने वाले हैं। दीपिका पादुकोण अगले महीने यानी कि सितंबर में मां बनने वाली हैं। फिलहाल वो अपने प्रेगनेंसी पीरियड को एंजॉय कर रही हैं। आए दिन दीपिका पादुकोण कैमरा में कैद हो जाती हैं अपना ब्यूटीफुल सा बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते हुए। और ऐसे में जो दीपिका पादुकोण के बेबी बम्प को लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग बहस छिड़ी है। किसी का कहना है कि वो सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली हैं, तो किसी ने उनके बेबी बम को ही फेक बता दिया। इस बीच सोशल मीडिया पोस्ट ने दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के फैंस को और ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं कपल को लेकर क्या दिलचस्प अपडेट आया है। दरअसल दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि पेरेंट्स बनने के बाद वो अपने करीबी दोस्तों और परिवार के मेंबर्स को गिफ्ट देने वाले हैं। सोशल मीडिया पर कपल की तरफ से दिए जाने वाले गिफ्ट की फोटो इस टाइम पर वायरल हो रही है। इस फोटो को देखने के बाद लोग कयासबाजी कर रहे हैं कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर बेटा आने वाला है। दरअसल एक रेडिट यूजर ने गिफ्ट पैक की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा कि दीपिका पादुकोण का ऑर्डर गिफ्ट पैक हो गया। आप देख सकते हैं फोटो में कि गिफ्ट पैक को ब्लू कलर से डेकोरेट किया गया है। ब्लू कलर को देखने के बाद लोग दावा कर रहे हैं कि यह कपल बेटी का वेलकम करने वाला है। वहीं तमाम लोगों का मानना है कि हो सकता है पैकिंग सिर्फ ब्लू कलर की हो और इसे बेवजह बेटी के जन्म से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के फैंस काफी खुश हो गए हैं क्योंकि अगले महीने यानी कि सितंबर में फाइनली दीपिका और रणवीर के घर पर खुशी आने वाली है। नन्हे मेहमान की किलकारी उनके घर में गूंजने वाली है, जिसको लेकर दीपिका रणवीर दोनों ही बेहद एक्साइटेड है। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।